फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। मेरा आज का ये वीडियो है कि घर पर ही हम मॉइस्चराइज़र कैसे तैयार करें। तो जैसे ठंडा शुरू होता है ना, सर्दी का मौसम, तो हमारा स्किन काफ़ी रूखा हो जाता है, बेजान हो जाता है और हम लोग को मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत होती है। हम लोग मार्केट जाते हैं और अच्छी अच्छी ब्रांडेड कंपनी की मॉइस्चराइज़र खरीद कर लेकर आते हैं। कभी कभी वो हमारे लिए सही भी होता है और कभी कभी सही नहीं भी होता है। जब वो रिएक्शन करने लगता है, उसका गलत इफ़ेक्ट हमारे स्किन पर पड़ने लगती है, तो बिना वजह ही पिंपल आ जाता है, तो छाई हो जाता है, तो दागी हो जाता है। तो मैं सोची क्यों ना घर में ही तैयार करके आप लोग को बताऊं कि किस तरह से हम मॉइस्चराइज़र घर में बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बादाम रोगन ऑयल लेंगे, ठीक है? आराम से मेडिकल शॉप पर ये ऑयल मिल जाएगा। और कोई भी विटामिन ई का कैप्सूल, ग्रीन कलर का या फिर येलो, और भी अनेक कलर में ये मिलता है विटामिन ई कैप्सूल, आप लोग को आराम से मेडिकल शॉप में मिल जाएगा। तो बादाम रोगन ऑयल 5 चम्मच लेंगे एक कटोरी में, कांच का कटोरी में 5 चम्मच लेंगे इस चम्मच से। और उसमें 2 विटामिन ई का कैप्सूल डालेंगे, ठीक है? उसे अच्छी तरीके से, ठीक है, कैप्सूल का ऑयल निकाल कर डालेंगे और इस तरह से पूरा मिला लेंगे, ठीक है? और मिलाने के बाद उस ऑयल को एक अच्छे से डब्बे में हम लोग रख देंगे बंद करके, जिसमें से कि वो गिरे नहीं, उस तरह का अच्छा सा डब्बा बंद करके हम लोग रख देंगे, ठीक है? और उस ऑयल को जब भी हम मॉइस्चराइज़र यूज करते हैं उसके जगह पर यूज करेंगे और देखेंगे कि हमारी स्किन कितना लाइटिंग, शाइनिंग और ग्लो आने लगता है हमारी स्किन पर। विटामिन ई कैप्सूल ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है, और उसमें अगर बादाम रोगन ऑयल मिला दें तो और वो फ़ायदेमंद हो जाता है। तो उससे हम लोग को मॉइस्चराइज़र की जगह पर लगाना है, तो लगा कर देखें कि कितना इफ़ेक्टिव है ये हमारे लिए। और इस तरह से हम लोग एक अच्छा सा मॉइस्चराइज़र तैयार कर लेते हैं। आई होप मेरा यह टिप्स आप लोग को बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि काफ़ी छोटा सा है लेकिन वो काम बहुत बड़ा करेगा। चेहरे को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ आपके चेहरे पर लाइटिंग, शाइनिंग भी लाएगा। अगर मेरे इस चैनल पर आप लोग न्यू हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक शेयर ज़रूर करें। एंड थैंक यू।